यार 12 बज गए। छी 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 छी। हे काय परत बेवड़ा मारू ना लेका है। अरे ये बेवड़ा नहीं है, ये वाइन है, वैट 69 है, एकदम फाइन है। मैं बोलती हूँ तुम। अरे डार्लिंग डार्लिंग, जब से शादी हुई है तुम बोलती आ रही हो और मैं सुनता आ रहा हूँ। क्या? लेकिन आज मैं बोलूँगा। क्या बोलोगे? अरे डार्लिंग तुम चुप, पूछो तो सही, हमने क्यों पी? क्यों? किस खुशी में पी, किसने पिलाई और क्यों पिलाई? पियो नाले असेल किसी चोर चके लफंगे स्मगलर के यहाँ से। स्मगलर के यहाँ से? अरे डार्लिंग तुम्हें मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ लगता है? छी, स्मगलर के यहाँ से नहीं, स्मगलर के यहाँ से नहीं। तो आज मैं एक बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर के यहाँ से पी के आ रहा हूँ, राज कपूर के यहाँ से। राज कपूर? कौन है? मैं मैं। अरे छी छी छी, आज तू फिर बेवड़ा पी के आया? बेवड़ा नहीं है जीरा जी, ये तो वाइन है, रेड 69 है, एकदम फाइन है। अरे अरे ये तो मैं भी बोला जीरा जी, जब से आपने मेरी बहन से शादी मनाया हमेशा आप ही बोलते हैं, लेकिन आज मैं बोलेगा और आपको सुनना पड़ेगा। करके इशारे क्या कर रहे हैं आप? अब पहले ये तो पूछे कि मैंने क्यों पी, किस खुशी में पी, किसने पिलाई और क्यों पिलाई? पीऊ नाला असेल किसी चोर उचक्के लफंगे स्मगलर के यहाँ से। स्मगलर? क्या जी स्मगलर? आप क्या समझते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ है जीरा जी कि मैं स्मगलर की दारू पीऊं? अरे मैं नहीं बोला भाई, मैं नहीं बोला, तेरी बहन बोल रही थी। अरे किस बात है जीरा जी, आज मैं दारू पिया एक बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर के घर, राज कपूर। अरे वो मैं बोल चुका हूँ, राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम मालूम है, राज कपूर प्रेम रो हुआ है। हाँ, राम तेरे गंगा मैं जगा दीदी, तीन ही नामों में इनको याद आ गया। आज राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर का बर्थडे था। अच्छा, मेरे जीरा जी मैं बात कर रहा हूँ। बोलो बोलो दीदी, क्या समा था? अच्छा, क्या एटमॉस्फेयर था? उधर राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, जिधर देखो कपूर ही कपूर है। और सबके हाथों में जाम होगा। करेक्ट। और सबके जुबान पे सिर्फ एक ही नाम। करेक्ट। हवलदार तेंदुलकर। करेक्ट। और सबने कहा होगा तेंदुलकर पन सिप प्लीज। करेक्ट। लेकिन दीदी आपको ये नहीं मालूम कि जीरा जी की उधर कितनी रिस्पेक्ट है। अच्छा, पूरा का पूरा कपूर खानदान, कुमार खानदान और खन्ना खानदान मुझसे बार बार ये पूछ रहा था कि तेंदुलकर साहब, वाघ मारे साहब कुछ है कि नहीं, उनके बगैर पार्टी में कोई जान नहीं है। हो गए जीरा जी, आप कहाँ थे? अरे मैं भी राज कपूर की पार्टी में था साले। ये कंपास पुलिस कब हमारा पीछा छोड़ेगी? जूली तक ना सकी हमें मिलने को। जाबर, लगता हम यहीं भूखे मर जाएंगे। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपकी जेल में से भागा हुआ जाबर मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया है। लेकिन आप कहां से बोल रहे हैं? मैं जू से मुचंद बात कर रहा हूँ। साला पुलिस को खबर कर रहा था।
राम राम मेम साहब। अरे ऐसन घूर घूर कर का देख रही हो मेम साहब, हमसे कोनो गलती हो गई का? गलती तो मुझसे हुई है जो तुम्हारी असलियत पहचाने में धोखा खा गई। असलियत? हमार असलियत ही का बात करत हो मेम साहब? मेम साहब मत लो अपनी जबान से मेरा नाम। मैंने तुम्हें अपना एक दोस्त समझा, एक साथी समझा, मेरे जख्मों के दर्द को बांट लेने वाला एक हमदर्द समझा, मगर 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 तुम मतलब परस निकले, फर्ज के नाम पर कानून से मेडल हासिल करने वाले एक लालची अफसर निकले, जो मेरे जज्बात को बहकाकर, मेरे दिल के जख्मों को कुरेद कुरेद कर मुझसे उन गुंडों के बारे में पूछने यहां आया हो। तुम्हारा वो भोलापन, तुम्हारी वो हमदर्दी, वो प्यार, सब एक ढोंग था, एक नाटक था। नहीं गीता नहीं, हमारे मासूम प्यार पर इल्जामों के इतने दाग मत लगाओ। मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे अपनी असलियत छुपाई, गुंडों के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो मैं नहीं गीता, मेरा फर्ज था जिसकी जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ था। लेकिन लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बंदूक चलाना सिखाया जो मेरे फर्ज के खिलाफ था। मैंने मैंने तुमसे कदम कदम पर झूठ बोला है गीता, लेकिन उस झूठ के पीछे एक बहुत बड़ा सच भी छुपा हुआ है, और वो है मेरा सच्चा प्यार गीता, जो मैंने अपनी वर्दी के बाद तुमसे, सिर्फ तुमसे किया है गीता। मगर गीता, पिस्तौल के बल पर जो जंग तुम लड़ने जा रही हो वो तुम्हारा काम नहीं है, वो काम है कानून का, पुलिस का। तुम्हारे दुश्मनों को कानून की गोलियों से बर्बाद करने का जिम्मा मैं लेता हूं गीता, ये मेरा वादा रहा। मेरी एक रिक्वेस्ट है गीता, मेरी मानो तो तुम अपना घर बसा लो, अपनी दुनिया आबाद कर लो गीता।